नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है। आप और हम सब इस चीज को जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर भी उतरती है, वो व्यक्ति कभी कहीं भी पीछे हट उसके नहीं होती है। और जो भी वरदान भगवान भोलेनाथ आपको दे देते हैं, उसकी पुष्टि होती ही होती है, वो वरदान फलित होता ही होता है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान शिव के आशीर्वाद को विफल कर दे। आज के दिन आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ नाम की चीज नहीं रह जाएगी, कोई भी आपकी इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी, कोई भी आपका काम ऐसा नहीं रहेगा कि ये काम आपका नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको इस उपाय को मन से करना है, पूरे विश्वास से करना है। भगवान भोलेनाथ आपकी तमाम इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। दोस्तों, ये उपाय मेरा अपना भी किया हुआ उपाय है, बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी शंका के आप इस उपाय को एक बार करके देखना, रिजल्ट बेहतर आएगा, मतलब बहुत ही बेहतर आएगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर ऐसा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, डॉक्टर भी जिसका निदान नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई बहुत बड़े संकट में घिरे हुए हैं, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से आपका नहीं हो रहा है, आप सोमवार की रात 9 बजे के बाद या फिर फिट 9 बजे आपको महादेव के मंदिर जाना है, शिवालय में जाना है, ठीक है। वहां जाकर के आप थोड़ा ज्यादा पानी लेकर के बैठे, भगवान भोलेनाथ के आगे आप घी का दीपक लगा दे, अगरबत्ती लगा दे, और उसके बाद आपको अपनी इच्छा बोलनी है, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी इच्छा रख देनी है। और उसके बाद में आपको अपने लेफ्ट हैंड से तांबे के लोटे से जल भर करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। 21 लोटा जल सोमवार की रात 9 बजे या 9 बजे के बाद आप इस क्रिया को करना शुरू करें। कंटिन्यू आप लेफ्ट हैंड में पानी भरे और लेफ्ट हैंड से ही आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर कंटिन्यू आप 21 लोटा जल, अगर आप ज्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो आप 51 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप ये उपाय दोस्तों सोमवार करना शुरू करें। सोमवार के दिन आप इस उपाय को करना शुरू करें, और सोमवार जब तक आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है, तो सोमवार आप इस क्रिया को करना शुरू कर दें। आप देखेंगे दोस्तों, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, आपको उसमें से छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर्स भी जिस केस को मना कर चुके होंगे कि अब ये केस मतलब हाथ में नहीं है, ये व्यक्ति अब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, आप इस क्रिया को करके देखें, एक बार करके देखें। कैसा भी मरीज होगा वो भी उठ करके बैठ जाएगा। कितनी भी परेशानी होगी आपको, उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कितना भी बड़ा संकट आपको घेर रहा है, उस संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय बहुत अनमोल, बहुत पावरफुल उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, ठीक है। कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। किसी को यदि अपने टारगेट को अचीव करना है कि मेरा ये काम पूरा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी उस चीज को अपना ध्येय बना करके, अपने ध्यान में रख करके, और यदि भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से जल अर्पित करता है, तो उसका वो काम भी बहुत जल्दी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड हो, पानी की धार आपको टूटने नहीं देनी है, और हर सोमवार आपको इस क्रिया को करना शुरू कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों, 4 या 5 सोमवार में फिनिश होते होते तो आपका काम हो ही जाएगा। करके देखिए। जय श्री कृष्णा।